कृतिका ले आई सहरे के पीछे पृथ्वी की असली सच्चाई, और सरदार जी के रूप में आकर अर्जुन ने उठा लिया शादी के मंडप से पृथ्वी को और बैठ जाएगा शादी के मंडप में अपनी जगह। और कृतिका के सामने आ गया अर्जुन का सहरा हटाने पर अर्जुन का असली चेहरा सबके सामने, और कृतिका के कहने पर सहरे के अंदर पृथ्वी की जगह निकलेगा अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अंजलि की दोस्त प्रीता के बारे में किसी को भी पता ना चले, इसलिए कमरे से अर्जुन को सरदार समझकर कमरे से बाहर निकालेगी और अर्जुन शलिन के साथ मिलकर दोनों बदमाशों को सरदार के रूप में तैयार कर देगा। तभी अर्जुन मंडप से पृथ्वी को उठाने के लिए बाकी सभी को रेडी होने के लिए कहेगा, जहां पर जब अर्जुन किसी को भी पता ना चले ऐसे सरदार के रूप में ढोल नगाड़े बजाते हुए लूथा उसके अंदर आएगा और आखिर में गुस्से से सरदारों को यानी कि अर्जुन को कहेगी कि तुम लोगों को यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर दोनों की शादी हो रही है। तभी यह सुनकर अर्जुन पंजाबी में कहेगा कि तुसे हमको पता है कि यहां पर शादी हो रही है और हम यहां पर किसी का बुरा करने नहीं आए हैं, सबका शुभ शुभ करने आए हैं। अर्जुन राखी माँ को कहकर अपने साथियों को कहेगा कि चलो अब अपना काम शुरू कर दो। तभी सबके सामने अर्जुन सभी लोगों को साइड करते हुए शादी के मंडप से पृथ्वी को उठा लेगा और कहेगा कि हम बस 2 मिनट में आते हैं, हमें दूल्हे के साथ थोड़ी सी गल करनी है। ये कहकर तभी अर्जुन और शलिन के साथी पृथ्वी को उठाकर ऊपर कमरे में ले जाएंगे। तभी पृथ्वी कमरे में पीछे से सही मौका देखकर अर्जुन के पीछे वार कर देगा और शादी के मंडप में प्रीता के साथ शादी करने के लिए भागने की कोशिश करेगा, जिस वजह से तभी अर्जुन चिल्लाते हुए पृथ्वी को कहेगा कि अरे कहाँ भाग रहा है चूहे की तरह। तभी पृथ्वी मुड़कर शलिन के साथी का गला दबाकर कहेगा कि चूहा नहीं बल्कि चीता, और आज ये चीता नीचे प्रीता जी के साथ शादी करके ही रहेगा, अगर तुम में दम है तो मुझे रोक सको तो रोक लो। यह सुनकर अर्जुन तभी गुस्से से टेबल पर रखा हुआ सामान पृथ्वी के सर पर मार देगा और पृथ्वी बेहोश हो जाएगा, और अर्जुन शलिन से माफी मांगते हुए कहेगा कि शलिन मुझे माफ कर दो, लेकिन ये लो पृथ्वी अब तुम्हारे हवाले है, अब पृथ्वी जब तक बेहोश हो गया है तब तक प्रीता के साथ शादी करने का नाम नहीं लेगा, लेकिन तब तक मैं प्रीता के साथ अब शादी कर लेता हूँ, और ये पृथ्वी ने जो मेरे कपड़े पहने हैं वो पहनकर अब मैं नीचे जा रहा हूँ। यह सुनकर शलिन अर्जुन को ठीक है कह देगी, और इसके बाद तभी जब अर्जुन शादी के जोड़े में प्रीता के साथ शादी करने के लिए शादी के मंडप में आएगा और बैठेगा, तभी कृतिका के बक्से का ताला खुल जाएगा और कृतिका अचानक से बक्से से बाहर आएगी और ऊपर कमरे से दौड़ती दौड़ती हुई नीचे शादी के मंडप के पास जाएगी और शादी को रोकते हुए सबको चिल्लाकर कहेगी कि रुक जाओ, ये शादी के मंडप में केजो अर्जुन बनकर बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि सहरे के पीछे पृथ्वी है, वो अर्जुन नहीं है। यह सुनकर तभी राखी माँ दादी मय सुथरा सबके होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से राखी माँ खुद अचानक से अर्जुन का सहरा हटाएगी, जहाँ पर जब अर्जुन का चेहरा सबके सामने आएगा और कृतिका सहरे के पीछे अर्जुन को देखेगी तभी कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और कृतिका चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि मैं सच कह रही हूँ, पृथ्वी ने खुद मुझे यहाँ पर इस बक्से में बंद किया था और उसने अर्जुन के कपड़े पहने थे और उसने मुझे अर्जुन भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, लेकिन शादी के मंडप में प्रीता की जगह बैठी हुई अंजलि की जान में जान आएगी, जिसके बाद तभी राखी माँ पंडित जी को कहेगी पंडित जी मंत्र पढ़िए। यह सुनकर पंडित जब मंत्र पढ़ेगा और अंजलि अर्जुन की शादी पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी और पंडित कहेगा कि शादी पूर्ण हुई, तभी प्रीता शादी के बीचों बीच सबके सामने आएगी और चिल्लाकर कहेगी रुको, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, जिस वजह से प्रीता को अपने सामने देखकर अर्जुन जब शादी के मंडप में दुल्हन का घूंघट उठाएगा और अंजलि को देखेगा तभी अर्जुन को काफी बड़ा शौक लगेगा और अचानक से अर्जुन अंजलि को सो से तमाचा मार देगा। और लेकिन आप किसकी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, अर्जुन प्रीता की या अंजलि प्रीता की, हमें कमेंट में अपने गॉड का नाम लिखकर जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।